हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आजाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग माइंड्स में। स्पेशली आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग है एक फोर्ट का, और ये फोर्ट है अलीबाग के यहाँ पर, मतलब अलीबाग से अप्रॉक्स 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये फोर्ट है। और ये फोर्ट कवर करते करते बीच में वाटरफॉल है और एक मंदिर है शिव जी का, वो दोनों स्पॉट फोर्ट के साथ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए व्लॉग को शुरुआत करते हैं। सागरगढ़ ट्रेक की शुरुआत करते ही शुरुआत में हमें एक नाला लगा। जोर की बारिश होने पर इस नाले का पानी का बहाव काफी तेज होता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद किले के स्टेप्स के पत्थर अपनी जगह से हिले हुए संदेश को नजर आए। संदेश उन पत्थरों को फिर से उनकी जगह बिठाने की कोशिश कर रहा था। आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली है सागरगढ़ फोर्ट पे, जो अलीबाग से अप्रॉक्स 4 किलोमीटर है जैसे मैंने आपको बताया। और आज हम लोगों को गाइड करने के लिए मेरे कलीग है, उनके लड़के आए हैं हमारे साथ। उनमें से हमारा सबसे छोटा गाइड है स्वरूप। कुछ दूर जाते ही हमारे सामने स्थानीय लोगों ने सिंदूर लगाए हुए कुछ भगवान दिखाई दिए। हमने ट्रेक शुरू की थी तभी से हमारे साथ कुछ स्थानीय बच्चे चल रहे थे। वो बच्चे रोजाना जरूरतमंद चीजें पहाड़ पर ले जाते हुए हमें नजर आए, और उसमें गैस से भरा हुआ सिलेंडर भी था। यह देख के हमें आश्चर्य हुआ। सागरगढ़ फोर्ट की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 350 मीटर है, और इस फोर्ट को इतिहास के पन्नों में एक दूसरा नाम भी है, और वो दूसरा नाम है खेड़दुर्ग। लेकिन ये जो खेड़दुर्ग नाम है ये इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ जितना कि सागरगढ़ प्रचलित हुआ है। आज इस ट्रैक पे ओमकार और स्वरूप साथ में है ही, उसके साथ मेरे रेगुलर पार्टनर और एक्सप्लोरिंग माइल्स के सदस्य सूरज भुईर और संदेश नागोटकर से। संदेश हाय। हाय सूरज। हाय। हर बार की तरह मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए और मेरी मुझे कंपनी देने के लिए इस ट्रिप में, इस ट्रैक पे, बहुत ही पथरीला रास्ता है, मतलब गिरने के चांसेस या फिर स्लिप होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो संभल संभल कर चलना पड़ रहा है। वाटरफॉल के पास जाते ही हमारे सामने वाटरफॉल का कुछ ऐसा नज़ारा था। आज बारिश नहीं थी, इस वजह से वाटरफॉल को पानी बहुत कम था। अभी दोनों ने वाटरफॉल के यहाँ पर थोड़ा फोटोशूट करके करने के बाद या फिर थोड़े रील्स के शूट करने के बाद इंस्टाग्राम के लिए हम लोग अभी आगे निकले हैं सिद्धेश्वर टेम्पल के लिए। आज को जो हमारा ट्रैक है वो ट्रैक है 3 स्टेप में। पहला स्टेप हम लोगों ने पार कर दिया, ये जो स्टेप है ये है दोधानी वाटरफॉल, और आगे अभी सिद्धेश्वर टेम्पल के पास जाएंगे हम लोग, और उसके बाद फाइनल स्टेप होगी हमारी, या फिर तीसरे स्टेप में हम लोग जाएंगे सागरगढ़ फोर्ट पे।
ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है और आज बारिश नहीं होने की वजह से वाटरफॉल को पानी भी बहुत कम है। वाटरफॉल से आगे निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सिद्धेश्वर टेम्पल की तरफ और वाटरफॉल के लिए जो रास्ता जाता है अंदर की तरफ वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगाया है, इसलिए अगर आपको वाटरफॉल के लिए आना है तो आपको बहुत केयरफुली सब देखते देखते हुए आना होगा, नहीं तो आप उस स्पॉट को मिस करके आगे निकल जाएंगे। इस ट्रैक की खास बात यह है आपको हर जगह किले पे जो पॉइंट है उसके बोर्ड लगाए हुए नजर आएंगे। फाइनली दोदाने वाटरफॉल देखने के बाद अभी हम लोग आए हैं सिद्धेश्वर टेम्पल की तरफ। ओमकार और स्वरूप जो हमारे आज के गाइड है ट्रैक के, बस थोड़ा आगे कर करके हमारे पूरे पसीने निकाल दिए दोनों ने। सिद्धेश्वर यह एक भगवान शिव का मंदिर है। ये मंदिर बहुत पुराना होने के साथ साथ आप मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मन प्रसन्न हो जाता है। मंदिर में भगवान शिव के बहुत दूर से ही दर्शन हुए हैं, मतलब शिवलिंग के पास जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि कोविड के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है डिस्ट्रिक्ट में, इसके वजह से मंदिर बंद है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी लेकिन वहाँ के जो पुजारी है उन्होंने अंदर नहीं छोड़ा, जो रूल्स है वो हमको भी फॉलो करने ही है। तो चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे फोर्ट की तरफ। मंदिर से लगभग 35 मिनट आगे आने के बाद मुझे तो लगा ही नहीं था कि आगे फोर्ट होगा भी, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं और ओमकार और स्वरूप थोड़ा आगे करके हमको बहुत दूर तक लाए, लेकिन अभी पहला व्यू दिखा है फोर्ट का, मतलब एक पॉइंट है वहाँ पर मंकी पॉइंट, तो उसका व्यू है, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ पहले और मैं आगे देखेंगे। और आप देख सकते हैं फोर्ट की जो वॉल है प्रोटेक्शन वॉल वो दिखाई दे रही है आगे। लगभग 2.5 घंटे का ट्रैक करने के बाद अभी हम लोग हैं सागरगढ़ फोर्ट के मेन एंट्रेंस पे, यानी महादरवाजा जिसे बोलते हैं, मेन गेट सामने ही है मेरे, मैं अभी आपको व्यू दिखाता हूँ उसका। किले का महादरवाजा और प्रोटेक्शन वॉल दोनों भी काफी खराब हालत में है, यानी महादरवाजा और दीवार गिरे हुए हैं और उनके सिर्फ अवशेष हमें नजर आते हैं। महाद्वार से अंदर प्रवेश करते ही हमारा स्वागत जिंगूर, यानी मराठी में हम उसे रात कीड़ा या अंग्रेजी में हम उसे क्रिकेट्स भी कहते हैं, उसने किया। उस कीड़े का आवाज़ कानों को काफ़ी तकलीफ दे था। बारिश की वजह से रास्ते पे पेड़ झुके हुए थे, इसलिए हमें काफ़ी झुक के चलना पड़ रहा था। किले के अंदर रास्ते के दोनों साइड दीवारों के गिरे हुए अवशेष दिखाई दे रहे थे और रास्ते पे सब जगह बारिश के कारण कीचड़ था। रास्ता सही था हमारा, हम लोग अभी एंटर किए फोर्ट में तभी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बारिश में पूरे पेड़ गिर गए हैं यहाँ पर, तो अभी हम लोगों को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा आगे के लिए फोर्ट के लास्ट तक एंटर करने के लिए, तो वही अभी हम लोग ढूंढेंगे आगे जाके। मतलब ये ट्रैकिंग थोड़ी एडवेंचरस हो रही है ऐसे मुझे लग रहा है। चलो किले के अंदर प्रवेश करते ही हमारे सामने पुराने जमाने में किले की दीवारें बनाने के लिए जो चूना, गुड़
और दूसरे चीज़ें मिक्स करने के लिए जो मिक्सर का इस्तेमाल होता था वह मिक्सर, यानी हम उसे मराठी में घाना भी बोलते हैं, वो नज़र आया। और वह घाना या मिक्सर आज भी काफ़ी अच्छी हालत में है, और वहीं से लगभग 50 मीटर दूरी पर जहां पुराने ज़माने में होली जलाई जाती थी वह होली का मैदान दिखाई पड़ा। दुर्ग रक्षक सामाजिक संस्था अलीबाग के यहाँ पर कॉर्नर में लिखा है, जिनकी तरफ से बहुत अच्छे बोर्ड लगाए गए हैं सागरगढ़ पे। किले के अंदर रहने के लिए जो महल या घर बनाए थे उसके अवशेष इस जगह हमें दिखाई दे रहे थे। वहीं से आगे बढ़ने के बाद हमें छत्रपति शिवाजी महाराज इनका स्मारक दिखाई दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके नाम का जयकार लगाने के बाद शरीर पे रोंगटे खड़े हो गए। स्मारक के पीछे से आप अगर देखेंगे तो आपको किले का पिछला हिस्सा पूरा दिखाई देगा। पानी खत्म, जिंदगी खत्म। देखिए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ गोमुखी कुंड का। सागरगढ़ पे पीने लायक पानी है यहाँ पर गोमुखी कुंड का, लेकिन लोगों ने उसमें प्लास्टिक डाल दिए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी फोर्ट है महाराष्ट्र में वहाँ पर आपको पीने का पानी ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो अभी मैंने आपको दिखाया कि जो आप खाने की चीज़ें लाते हैं वो जो प्लास्टिक में रैप करके लाते हैं तो प्लास्टिक की चीज़ें यहाँ पर मत डालिए, जैसे पॉलीथिन हो गई या फिर कुरकुरे या फिर दूसरी कोई चीज़ें, ब्रेड के पॉकेट्स हो गए, तो यहाँ पर मत डालिए। अभी ये देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ ये बच्चे यहाँ पर पॉलीथिन निकाल रहे हैं बाहर। पानी पीने के बाद किले के पिछले हिस्से में हमारा पहला पॉइंट था वेताल मंदिर। इस मंदिर की सभी दीवारें गिर चुकी है और मंदिर के कुछ अवशेष बाकी हैं। वेताल मंदिर के बिल्कुल सामने हमें एक इमारत के कुछ अवशेष दिखाई दिए। वहां से आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने वानर टोक यानी मंकी पिनाकल का नजारा था। अभी हम हैं मंकी पिनाकल के पास। यहाँ पर पेशवा काल में किसी कैदी को मृत्युदंड देने के लिए बोरी में बांध के यहीं से नीचे फेंक देते थे। यहाँ हवा काफ़ी तेज थी इसलिए मैंने आगे जाने का खतरा नहीं लिया। गणेश्वर मंदिर ये गोमुखी कुंड के पास ही है, पर हमने ये पॉइंट सबसे आखिरी देखने का प्लान किया था। हमने भगवान शिव के दर्शन करके हमारी यात्रा यहीं से समाप्त की। दोस्तों, तो सागरगढ़ का ये जो फोर्ट है इसका इतिहास हम ऊपर ऊपर जान लेते हैं। तो इस किले का निर्माण किसने किया इसके बारे में अभी तक कुछ जानकारी नहीं है, पर इस किले का निर्माण गूगल में मैंने सर्च किया था तो सातवाहन राजाओं के कालखंड में या फिर बहामनी सुल्तान के कालखंड में किया गया है ऐसे गूगल बता रहा है। लेकिन बहुत सारे बुक्स ऐसे हैं उनमें अभी तक कुछ डिटेल्स नहीं बताया गया कि ये किला किस राजा के शासनकाल में बनाया गया है। सन 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किला विजापुर का सुल्तान आदिल शाह इसके साथ युद्ध करके जीत लिया था। और 1665 में ये जो किला है ये किला जो पुरंदर का तह हुआ था, अगर आपको पुरंदर के तह की पूरी हिस्ट्री जाननी है तो ऊपर आई लिंक पे मेरा करनाला फोर्ट का व्लॉग का लिंक आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप पुरंदर की पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं। तो 1665 में जो पुरंदर का तह हुआ था उस तह में जो 23 किले मराठों को मुगलों को देने पड़े थे उनमें ये किला एक महत्वपूर्ण किला था जो मराठों को मुगलों को देना पड़ा। और ये किले का निर्माण करने का मतलब जब ये किला मराठों के पास आया तो मोस्टली इसका उपयोग एक धर्मतर क्रीक है यहाँ पर, और उस धर्मतर क्रीक और मेरे पीछे यहाँ पर अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में कोई शत्रु आक्रमण ना करे या फिर कोई शत्रु घुसे ना अंदर अपनी ज़मीन में, इसलिए इस फोर्ट का उपयोग किया जाता था वॉच टावर के हिसाब से। सन 1695 में
सरखेल कान्होजी आंग्रे इन्होंने ये किला मतलब सागरगढ़ किला मुगलों के कब्जे से छुड़ा के स्वराज्य में शामिल किया और तभी से इस किले का सुवर्णकाल शुरू हुआ था। सन 1713 में छत्रपति शाहू महाराज ने जो 13 किले सरखेल कान्होजी आंग्रे इनको दिए थे उनमें से एक किला ये सागरगढ़ किला था। ये जो इतिहास है वो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ ऊपर ऊपर, क्योंकि अगर डिटेल में बताऊँगा तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे मैंने पुरंदर के तह के लिए आपको कर्नाला फोर्ट देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करने को बोला था, वैसे ही मैं आगे जाके और एक्सप्लेन करूँगा आगे आगे जो जितने भी फोर्ट आएंगे उसमें। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा इतिहास बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। सन 1740 में आंग्रे परिवार जो है सरखेल कान्होजी आंग्रे इनके बाद जो आंग्रे परिवार है उनके अंतर्गत कलह में ये जो किला है वो मानाजी आंग्रे इनके पास चला गया। उसके बाद ये जो किला है सागरगढ़ इसका कब्जा अंग्रेज़ों के पास चला गया। तो उस वक्त अंग्रेज जनरल फुलर और लेस्टॉक रीड इन्होंने इन दो जनरलों ने इस फोर्ट पे अपने बंगले बनवाए थे। तो बस दोस्तों ये जो फोर्ट है इसका महत्व ऊपर ऊपर मैंने आपको बता दिया है, जितना मेरे पास हिस्ट्री अवेलेबल थी उतनी हिस्ट्री बता दी है। तो दोस्तों ये जो मेरा सागरगढ़ का व्लॉग है ये आपको कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर और आगे जाके कौन से पॉइंट कवर करने हैं जो मुझे नहीं पता है। तो आप आपके पास के जो फोर्ट है या फिर कोई वाटरफॉल्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपको व्लॉग कैसे लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं और आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही मेरे आगे के व्लॉग आपके पास आएंगे, मतलब आप तक पहुंचेंगे मेरे व्लॉग। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।